हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। कुछ क्वेश्चन हमने आपसे पहले वाली वीडियो में सोल्व किए थे, अगर वो आपने नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कौन से मेथड से निकालना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखते हैं इनका हम एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 12, 15 एंड 21। इन तीनों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो आइए पहले हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। 12, 15 एंड 21 तीन नंबर है। अब इनके फैक्टर कैसा करेंगे हम? वही सिंपल जो हमने सीखा है आपसे पहले क्वेश्चंस में। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 सा। यानी आप 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 15। अगर आप 15 के फैक्टर कराएंगे 3 5 जा 15 5 1 जा 5, यानी आप लिख सकते हैं 3 × 5। नेक्स्ट है 21, तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, यानी 21 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 × 7। यानी देखिए हमने इन्हें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में तो हम लेकर आ चुके हैं। अब हमें निकालना क्या है इनमें से? एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है? एचसीएफ आप जानते हैं जो तीनों के अंदर जो चीज़ सेम होगी, यानी जो कॉमन होगा हमारा, उसी को आप क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो देखिए इन तीनों का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ किस किस का निकालना है आपको? 12, 15 एंड 21 का। तो इनके अंदर क्या चीज़ सेम है? देखिए 3 इसके पास भी है, 3 यहाँ पर भी, और 3 आपके पास यहाँ पर भी है, तो तीनों में सेम है। तो एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया? 3। इतना क्लियर। यानी जो चीज़ कॉमन होती है, यानी सेम होती है, उसी को आप क्या कहते हैं? एचसीएफ। अब बात करेंगे आप एलसीएम की। एलसीएम किस तरीके से लेंगे आप इसका? एलसीएम में जितनी भी संख्या इंक्लूड होती है उन सभी का तो हम लिखते हैं, लेकिन साथ में जो संख्या सेम होती है उसमें हम पावर देखते हैं ज़्यादा वाली, ठीक है। जैसे कि देखिए इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ 2 कितनी बार रिपीट हुआ आपका? 2 बार। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ 2 की पावर 2 × 2 में 3 लिख सकता हूँ इस तरीके से इसको, ठीक है। यानी देखिए 2 यहाँ कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। तो 2 की पावर 2 × 2 में 3 ऐसे लिखा जा सकता है इसे। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है और यहाँ कहीं 2 नहीं है, तो इस 2 की पावर 2 को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, जो तीनों क्या है आपके सेम है, तो इनमें से हम केवल कितने 3 लेंगे? 1। इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यानी 2 की पावर 2 × 2 में 3, और साथ में आपके पास यहाँ 5 है, तो 5 और × 2 में साथ में क्या है आपके पास? 7। आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 5 से कितने होते हैं? 15 × 2 में 7। 4 के × 15 से करेंगे तो 60 × 2 में 7। 0 7 6 42। तो इनका जो एलसीएम निकाला है हमने वो कितना है? 420। देखिए बहुत ही सिंपल था। 3 नंबर है हमारे पास। 12 के फैक्टर की आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 15 के फैक्टर के 3 × 5, 21 के 3 × 7। जो तीनों में सेम है उसको हम कहेंगे एचसीएफ, और एलसीएम में जो सेम होंगे उसमें पावर मैक्सिमम लेंगे जिसकी पावर ज़्यादा होगी, बाकी सभी नंबर को यहाँ लिखेंगे आप। अभी आपके पास था 2 × 2 × 3, यहाँ 2 कितनी बार रिपीट है? 2 बार। तो 2 की पावर आप कितनी लेंगे? 2 × 2 में 3 ऐसा लिख सकते हैं इसे, बाकी ये सब सेम। तो देखिए 2 स्क्वायर सेम, ऐसे ही ये 3 सेम है हमारे पास, लेकिन पावर तो सबकी इक्वल है, तो 1 ही 3 लेंगे। × में 5, × में 7, 2 का स्क्वायर होगा 4, इंटू 3 के इंटू 5 से करेंगे 15, इंटू में 7, इन दोनों के इंटू करेंगे 60, इंटू में 7, दोनों के इंटू की 420। तो देखिए एचसीएफ कितना आया 3 और एलसीएम हमारे पास कितना है 420। सेम एचसीएम इनका करेंगे, 17 को आप क्या लिख सकते हैं 17 × 1 = 17, 23 को आप क्या लिख सकते हैं 23 × 1 = 23 और 29 को हम क्या लिख सकते हैं 29 × 1। अब हम बात करेंगे इनके एचसीएफ की, 17, 23, 29 कि इनका एचसीएफ क्या होगा। देखिए सेम चीज़ क्या है 1, तो एचसीएफ कितना है आपके पास 1। अब क्या निकालना है आपको इनका एलसीएम, तो एलसीएम में जो सेम चीज़ होती है उसको लिखते हैं तब तो 1 भी लिख लेते हैं, हालांकि ना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके पास क्या है 17 × 23 × 29। अब आप इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आएगा, तो एलसीएम हमारे पास कितना होगा 11,339। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 के आप फैक्टर कर लीजिए, 2 4s 2 2s 2 1s, यानी 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 या आप ये भी कह सकते हैं कि 2 की पावर 3। अब आपके पास 9 है, 9 को आप क्या लिख सकते हैं सिंपल फैक्टर कर लेते हैं, 3 3 जा 9 3 1 जा 3 यानी 3 × 3 आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास कितना है 25, 25 के आप फैक्टर कराएंगे तो 5 5s 5 1s यानी 5 × 5, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखिए हमें इनका क्या बताना है एचसीएफ, आपको निकालना क्या है इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ आपको बताया गया जो चीज़ इनके अंदर क्या हो सेम हो, इनके अंदर क्या हो सेम। अब यहाँ तो आपके पास 2 की पावर 3 है या 3 का स्क्वायर है या 5 का स्क्वायर, कोई भी चीज़ सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 1s 1 1 1s 1 1 1s 1 यानी इनके साथ में 1 और लिख दूँ तो देखिए अब इन सभी के अंदर कॉमन पॉइंट क्या है हमारे पास 1, तो एचसीएफ इन तीनों का हमारे पास कितना आ चुका है 1। अगर अब हम बात करेंगे एलसीएम की, तो ये हमारे पास कितना है 2 की क्यूब यानी 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इनके इंटू कर लेंगे आप, 25 के 8 से करेंगे 200 × 9 तो आंसर कितना आ गया 1800। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है आपके पास गिवन डेट एचसीएफ 306,657 = 9, यानी ये 2 नंबर हैं आपके पास, इनका एचसीएफ कितना है हमारे पास 9 है और इन्हीं 2 संख्याओं का आपको क्या निकालना होगा एलसीएम। ठीक है, तो एक फॉर्मूला को पढ़ाया गया था सबसे पहले क्वेश्चंस में कि HCF × LCM = product of the 2 numbers, कि अगर हम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करें और इक्वल लगता है किसके HCF × LCM के, दोनों साइडें क्या आती थी इक्वल। ठीक है, तो इसी सब हम क्या निकाल सकते हैं आसानी से आपका एलसीएम निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए पहला आपके पास क्या है एचसीएफ और इन 2 संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास कितना है 9, इन 2 में एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, तो 2 नंबर कौन से हैं आपके पास 306 इन 2 में 657। आपको क्या निकालना है यहाँ से एलसीएम, 9 इन 2 में तो नीचे कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में, तो एलसीएम बराबर 306 × में 657 अपॉन में 9, 9 से आप इसे क्या कर सकते हैं डिवाइड, 9 1s 9, 9 3s 27। अब आपके पास कितने बचे 3 तो 9 4s 36, तो आपके पास बचे 34 × 657, इन दोनों के आप इंटू कराएंगे तो इंटू करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा 22338। यानी हमारे पास जो एलसीएम होगा वो आपके पास होगा 22,338 यानी 22,338 आंसर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपका सबसे पहले एग्जाम में आ चुका है, एक बार फिर से ध्यान दें। दो संख्याओं का एचसीएफ आपको पता है, क्या निकालना है उनका आपको एलसीएम। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, एचसीएफ कितना 9, एलसीएम सेम, दो नंबर कौन से 306 इंटू में 657, ये हमने सेम लिखे। 9 इंटू में नीचे कहाँ का डिवाइड में, साहब ने इसको डिवाइड किया, कितने बचे 34 इंटू में 657। इन दोनों के आप इंटू कराएंगे आपका आंसर आ जाएगा, आप इंटू करके चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है आपके पास, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 04 any नेचुरल नंबर n। यानी किसी भी अगर हमारे पास 6 की पावर n है और n या एक नेचुरल नंबर है, तो किसी भी नंबर पर क्या इसकी जो लास्ट वाली संख्या होगी क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी 0 आ सकती है, यही आपको देखना है। और हम जानते हैं कि एनी नंबर एंड डिजिट टू मस्ट हैव 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। ये थ्योरम हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, यानी ये कहती है कि अगर कोई भी नंबर है आपके पास में और वो एंड होता है 0 पर, यानी वो समाप्त कहाँ होता है आपका 0 पर, यानी उसमें लास्ट वाली संख्या क्या आती है 0, तो उसके अंदर 5 मस्ट होगा उसके प्राइम फैक्टर में। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं, कुछ एग्जांपल हमने यहाँ लिए 10, आपने देखे हैं लास्ट में कितना है 0। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर कराऊं तो इसके अंदर 5 मस्ट आना चाहिए, यानी 5 होना ही चाहिए। चेक करें इस बात को, देखिए 2 5s 10, 5 1s 5, आ गया 5 आपके पास में। नेक्स्ट नंबर आपने लिया 20, 2 1s 2, 0 ऐसे, 2 5s 10, 5 1s 5, 5 आपका यहाँ भी मस्ट है। चलिए 30 ले लिया आपने, 2 1s 2, बचे 1 कितने हो गए 10, 2 5s 10, 3 5s 15, 5 1s 5, 5 यहाँ भी मस्ट है आपका। चलिए 40 ले लेते हैं आप, 2 2s 4, 0 सेम, 2 1s 2, 0 सेम, 2 5s 10, 5 1s 5। मान लीजिए आपने 70 ले लिया, 2 3s 6, कितने हो यहाँ पर 10, 2 5s 10, 5 7s 35, 7 1s। यानी जिन संख्याओं के लास्ट में जो एंड होता है जिनका 0 पर, उनके अंदर 5 आपको मस्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये थ्योरम कहते हैं हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब इसके अंदर आपने देखा कि सभी जितनी भी 0 वाली संख्या है सबके अंदर 5 क्या मस्ट है आपका, लेकिन हमें किसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, किसके फैक्टर करने हैं हमें, फैक्टर ऑफ 6 की पावर n के। तो आप जानते हैं अगर मैं 6 के फैक्टर कराऊं 2 3s और 3 1s, यानी आप 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 और पावर ये दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या इसके अंदर 5 आया, यानी आपने जब इसके फैक्टर किए तो आंसर किस फॉर्म में आता है आपका 2 into 3 की पावर n है। क्या यहाँ कहीं 5 आपके पास दिखाई दिया, तो हम कह सकते हैं ये फैक्टर आपका नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि 6 की पावर n नोट हैज 5 इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, फिर देखिए कि जो 6 की पावर n है कैन नॉट डिजिट 0 कैन नॉट एंड डिजिट 04 any नेचुरल नंबर। यानी 6 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यानी अगर हम 6 की पावर n में n की कुछ भी वैल्यू पुट कराएंगे तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, यानी उसमें 0 आपका लास्ट में नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।